तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, डीएस की दुनिया में सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं, कमेंट जरूर बताएं भाई लोग, क्योंकि आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। तो परिवार बढ़ने के क्रम में क्या है कि सभी को हाल खबर समाचार लेना जरूरी है ना। कैसे हो आप लोग, हंसी मजाक बाद में करेंगे, क्योंकि आज आ चुके हैं महादेव के दरबार में। एक नए जगह, एक ऐसे जगह जहाँ का खासियत क्या है कि अगर यहाँ आप अगर सोच के आइएगा ना कि शिवलिंग को हम पकड़ लेंगे, तो आप नहीं पकड़ सकते हैं। अगर नहीं सोच के आए हैं तो आप पकड़ सकते हैं। ये ऐसा ही खासियत है महादेव के स्थान में, और यही खासियत मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। और जहाँ रहेगा डीएस की दुनिया, तो महादेव तो वहाँ आएगा ही। पहले शिव है, उसके बाद सत्य है, सत्य ही शिव है। तो चलिए, तो गाइस ये स्थान है और काफ़ी हरा भरा है, रंगीला है, और पेंट वगैरह सब हो चुका है, और पूरा महादेव में मग्न हो चुका है। और ये पूरा मंदिर है जो देख सकते हैं आप यहाँ से वहाँ तक, और पूरा वो जो ठीक सामने मेरे है वो महादेव का स्थान है। तो फिलहाल मैं, चलिए सबका दृश्य, सबका सब जगह का मैं आपको अपने ये ब्लॉग के माध्यम से दिखाता जाऊंगा, तो बने रहे। रुको, जरा सबर करो। तो गाइस, ये त्रिशूल है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा, और बड़ा सा त्रिशूल है, और चारों साइड इसका पूरा एकदम कंपाउंड बना हुआ है। और छोटा सा एक मंदिर है यहाँ पे जो काफ़ी खूबसूरत है, और ये मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मंदिर है जय माता दी, यानी जानकी मंदिर का, और वो मंदिर का अभी स्थापना अभी नहीं हुआ है। कौन से भगवान उसमें स्थापित होंगे वो थोड़ा अभी पता नहीं कि उस समय है कि उसमें कौन सी भगवान आएगा। और महादेव ठीक ये विराजमान है ये मंदिर में, तो चारों साइड घूमेंगे देखेंगे। तो वैसे यहाँ लट बजाने का पूजा पाठ हुआ था, और सभी लोग यहाँ देख सकते हैं पूजा पाठ में बिजी है। और ठीक सामने मेरे जो है महादेव भगवान है, भोलेनाथ है, भोलेनाथ शंभु, और सभी लोग यहाँ पूजा पाठ किए हैं। और फिलहाल चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं, आपको भी पूरा दर्शन करवाते हैं। चारों तरफ एकदम मगन है, पूजा पाठ हो रहा है। तो गाइस, यही शिवलिंग है, और ये शिवलिंग आप देख सकते हैं इसका पूरा चौड़ाई, ये मिट्टी से निकला हुआ शिवलिंग है। यहाँ का इतिहास है, यहाँ का कहानी है कि कोई हल यहाँ खेत में जोत रहे थे, तो ये शिवलिंग वहाँ से निकला है, और हल से ये टकराने के वजह से ये पूरा टूटा हुआ है। तो फिलहाल ये पूरा यह कंपाउंड है, और पूरा तो गाइस ये छोटा छोटा आज एक गार्डन टाइप का लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और चारों साइड से लगाया गया है, पेड़ पौधा है, फूल है, और बढ़िया है। ये फूल बहुत ही छोटा छोटा दाना में है, लत्ती वाला फूल है, पता नहीं ये कौन सा फूल है लेकिन दाना है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ऐसे ही यूनिक यूनिक चीज़ आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँगा, और जगह जगह का घुमाता रहूँगा, और हर जगह का वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, सभी को हर हर महादेव, राम राम सभी भाइयों, सब्सक्राइब करें।